नमस्कार दोस्तों, या एंटरटेनमेंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। फिर से वीडियो लाए हैं पाकिस्तान रिपोर्टर की, जो कि पाकिस्तान में ही जाता है, पाकिस्तान के लोगों से उनका इंटरव्यू लेता है, इंडिया के बारे में उनसे पूछता है, उनकी राय लेता है। तो आप देखिए इस वीडियो को किस तरीके से अब पाकिस्तानी लोग भी इंडिया की तारीफ करते हैं और हमारे सनातन धर्म जो हिंदू भाई है उसकी भी तारीफ कर रहे हैं। तो यही सब आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और कोई भी आपका कमेंट हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट और राय जरूर दीजिएगा। इंडिया 1/5 है पूरी पॉपुलेशन का, पूरी दुनिया में ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट ठीक है। वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें ठीक है, ठीक है। एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं ठीक है। वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है ठीक है। यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए, उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ उनका मजहब पहले है, फिर उनकी वतन परस्ती है ठीक है। हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए, जब भी आप पाकिस्तान से बाहर हैं, जस्ट रिमेम्बर वन थिंग, यू रिप्रेजेंट पाकिस्तान इन आउट ऑफ कंट्री। बिल्कुल, इफ यू डू एनीथिंग रॉन्ग, योर वन मिस्टेक, पीपल गोना थिंक कि सारे पाकिस्तान ऐसे इस तरह के। अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का ढब्बा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं, सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है? यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं। समझ रहे हो? वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, ये उनकी आबादी है, अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं। Indians are very cultural, they're proud of their culture, but they also embrace the other cultures, but they don't forget who they are. And I think that's what we need to focus. नहीं नहीं, हमने कभी भी हिंदुइज्म कह के रिलेशन खराब नहीं किया। अच्छा, इंडिया के साथ जो मामलात हैं, हमेशा इंडिया ने ही ताल्लुकात खराब किए, पाकिस्तान ने हमेशा दोस्ती का हाथ बढ़ाया। नहीं सारी, वो राजनीति से दूर रहना चाहिए, तब पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। ये ट्रेड किसने बंद की है, आपको पता होना चाहिए, पाकिस्तान ने या इंडिया ने? इंडिया पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड किसने बंद की? इंडिया ने। सर, इमरान खान साहब ने बंद किया, पूरी दुनिया को पता। कुछ लोग ये कह रहे थे जो यूके के प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडियन ओरिजिन है, रशीद सनक मतलब हिंदू है, इंडियन ओरिजिन है, इस वजह से उन्होंने पाकिस्तानियों का जो है ना वो इस अगर करेंगे तो इस वजह से करेंगे। पॉसिबिलिटी ऐसी हो भी सकती है, इंडिया में देखिए मोदी को हम कितना जालिम कहते हैं, लेकिन वो कितने सालों से, वो तो हम कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया उनको जो वो मुल्क के लिए वो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही उनका मुल्क तरक्की कर रहा है, नो डाउट। वहाँ पे मेरे भाई IT की मुफ्त तालीमें दी गई हैं, और लड़के IT से बाहर से डॉलर कमा रहे हैं। एक मछली सारे जाल को कहते जरूर है गंदा, मछली मौजूद है लेकिन इसे हम पूछ नहीं सकते। ये वो, ये देखिए साफ कितनी है ये मछली, बिकॉज ये पाकिस्तान में है। वालेकुम अस्सलाम, आपका नाम? आसिम। क्या करते हैं सर? मैं जी मुलाजमत करता हूँ। मुलाजमत करते हैं, जबरदस्त। गवर्नमेंट जॉब करते हैं? नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं करता, प्राइवेट जॉब। प्राइवेट करते हैं, अच्छा जी। इस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, पहला सवाल तो ये बताइएगा, इस टाइम पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे इमेज क्या है, हमारे पासपोर्ट की वैल्यू क्या है, उसके बाद यूके के हवाले से खबर है जो के उसके ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। देखे, इमेज तो शुरू से लेकर अभी तक तो अच्छा नहीं है ठीक है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हमारे अमाल है, इस तरह के हमारे अमाल है ठीक हो गया, तो लेकिन उम्मीद हमेशा अच्छी ही रखनी चाहिए ठीक है। अच्छा, अभी यूके के प्राइम मिनिस्टर के हवाले से खबरें आ रही हैं, जो कि इंडियन ओरिजिन है, ऋषि सनक उनका नाम है, उन्होंने ये खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान से या और जो एक दो कंट्रीज हैं जहाँ से एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं या कुछ ऐसे जो हेट स्पीच करने वाले लोग हैं, उनके लिए हम यूके में एंट्री बंद कर देंगे। अगर ऐसा होता है तो पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पे क्या इमेज जाएगा, क्या मतलब इसके ऊपर आप कहना चाहेंगे? यूके वालों का इमेज तो आपको पता है कैसा है, क्या वो यूके वालों का इमेज ऑलरेडी कैसा है ठीक है, उनकी किस बात का आप क्या असर लेंगे? नहीं, यूके का मतलब ये डेवलप्ड कंट्री है, डेवलप्ड कंट्री है, गजा में क्या कर रहे हैं, फलस्तीन में क्या कर रहे हैं, उनका अपना इमेज क्या है ठीक है। नहीं, यूके कर रहा है या यूएस कर रहा है? दोनों कर रहे हैं। अच्छा, दोनों कर रहे हैं, उनके साथ और भी दूसरे लोग हैं, वो भी कर रहे हैं, इतनी घटिया हरकतें कर रहे हैं, कश्मीर में क्या कर रहे हैं ठीक है। तो अगर पाकिस्तान में एक आध दो वाकयात हो गए तो इसमें ये तो यानी ये 24 करोड़ की आबादी है ठीक हो गया, अगर एक दो वाकयात हो गए, हर तरह का बंदा है, लिटरेसी रेट यहाँ पे कम है, कोई ज्यादा नहीं है,
ठीक है, तो हम इसको एकदम से डीमोरलाइज नहीं होना चाहिए। नहीं, आपने बोला कि भाई कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या वो यूके कर रहा है या जो लोग भी कर रहे हैं, मुझे बताइए कोई ऐसी एग्जांपल हमें कश्मीर से देखने को मिली कि भाई कश्मीर में किसी ने सरदान से बे इंतहा। आप लोग तो यहाँ गली मोहल्ले की खबरें पहुँचा देते हैं ना, ठीक है, वहाँ तो देखिए रोजाना कितने लोग मर रहे हैं, गजा में रोज 100 लोग मर रहे हैं, कश्मीर मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है, इंडिया में क्या हो रहा है, इतनी गलीस हरकतें हो रही हैं, उनका इमेज नहीं है। कोई वाकया कोट करिएगा इंडिया में क्या, मतलब कि देखने ताकि देखने वालों को पता चले। हाँ भाई देखे, खाली मैं ये कह दूं कि भाई पाकिस्तान बहुत अच्छा कंट्री है, इंडिया में बहुत जुल्म हो रहा है, फॉर एग्जांपल देखने वाले कहेंगे कि क्या फजूल बात की, या कोई लॉजिक के साथ बात करो। उनके पास 100 एग्जांपल्स, वो कहेंगे कि भाई अभी ये जो हलवा वाला वाकया हुआ, जड़ांवाला वाला वाकया हुआ, कराची में मंदिर डिमोलिश हो गया, सिंध के में बहुत से ऐसे वाकया, फोर्स कन्वर्जन, वो तो ऐसे लिस्ट लगा देते हैं। आप एक दो वाकया बताइए। मेरा ख्याल ये है कि जो चंद वाकयात आपने उंगलियों पे गिनवा दी है ना जी, तो ये तो बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत कम है करोड़ों की आबादी में। सर आप अगर हम इस्लाम की बात कर लेना, हमारा इस्लाम ही ये कहता है कि अगर दरिया किसी भी रियासत के दरिया के किनारे के कुत्ता भी मर जाएगा भूखा या इस तरीके से, तो उसका जवाब दे हुकूमत होगी या वो रियासत होगी। हम कहते हैं ये दो चार वाक्य, वो रियासत थी जिस रियासत में जो है ना बिरयानियों पर वोट नहीं बिकते थे, ठीक है, ठीक है, अपने जमीर पे वो लेके आते थे बंदे ना, तो रियासत क्या बात थी उसके, तो फिर हम तो बराबर नहीं है। तो फिर हम भी तो यही नारा लगाते हैं ना जी, इस्लाम और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, तो इसका मतलब है हम इस्लाम को फॉलो नहीं कर रहे, कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, बेहतरी कैसे आएगी, हमारा इमेज कैसे बेहतर होगा, एक तो इंटरनेशनल लेवल पे, एक तो ये चीज बता दी है आप, मतलब क्या आपके ख्याल में, और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में जो एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं, या आप क्या समझते हैं इनके बारे में, क्या ओपिनियन देना चाहेंगे, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये किसकी जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है या मेरी आपकी जिम्मेदारी है कि किसी पे भी इल्जाम लगा दो और जो भी कर दो। नहीं देखिए, ये जो वाकया आपने गिनवाया इनमें गवर्नमेंट का तो कोई मसला नहीं है, ठीक है, ये तो हर बंदे की अपनी जिम्मेदारी है, हर बंदे, एजुकेशन भी एक साइड पे, सबसे पहले तरबियत है, ठीक है, जो हमारे घरों से हमको मिलती है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है ना, उसके बाद एजुकेशन है, फिर हमारी सोबत है, इस सब चीजें लेके सबसे पहले हमें अपने आप को बेहतर करना होगा, ठीक है, जब हम बेहतर होंगे तो असेंबलियां बेहतर होंगी। अच्छा, आपने एक और बात की, आपने बोला इंडिया में जो कुछ हो रहा है हम बयान नहीं कर सकते, एक तो ये चीज है, मुझे ये बताइएगा इंडिया में अगर वाकई में इतना कुछ हो रहा है तो इंडिया दुनिया की पांचवी बड़ी इकोनॉमी कैसे बन गई, एक तो ये चीज, और यूके जैसे कंट्रीज, यूएस जैसे कंट्रीज, मैं कहता हूँ अच्छा यूके यूएस जैसे कंट्रीज क्यों उनके साथ रिलेशन बेहतर करना चाह रहे हैं। देखिये, इंडिया 1/5 है पूरी पूरी पॉपुलेशन का पूरी दुनिया में, ठीक है, बहुत बड़ी मार्केट है, नो डाउट, ठीक है, वहाँ पे बहुत कुछ खराब होने के बावजूद इन्वेस्टर वहाँ झुकता है, ठीक है, नंबर वन। नंबर टू, इंडिया ने दो चीजें अपनी रखी हुई है, चाहे आप उनकी कुछ भी उठा के देख लें, ठीक है, ठीक है, एक वो अपनी हिंदू परस्ती को रखते हैं आगे, अच्छा, और एक वतन परस्ती को रखते हैं, ठीक है, वो अंदर जितने मर्जी बुरे हैं, अच्छा, लेकिन ये दो चीजें उनकी अव्वल पे आती है, ठीक है, यानी वो नेशन को पहले रखते हैं, नेशन फर्स्ट है उनके लिए, उनके लिए हिंदू परस्ती, लेकिन वहाँ का मजहब पहले है, फिर उनकी वतन परस्ती है, ठीक है, हमारे मजहब तो है लेकिन हम वतन परस्त नहीं, ठीक है, अगर वहाँ पे हिंदू परस्ती है या वो हिंदुइज्म को आगे रखते हैं, देखिए बड़ी एक लॉजिकल सी और एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी डिबेट हो रही है, अगर हिंदू परस्ती को आगे रखते हैं वहाँ पे मुसलमानों की तादाद बढ़ती क्यों जा रही है और हमारे यहाँ पे हिंदुओं की तादाद कम क्यों होती जा रही है, इसका क्या मतलब जवाब। अच्छा, हिंदुओं की तादाद हमारे यहाँ कम होती जा रही है तो आपसे मानते हैं कि नहीं? नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, मैं नहीं मानता, ठीक है, वहाँ पे आबादी के लिहाज से मुसलमानों की तादाद बढ़ रही है, ये मानते हैं? ये बिल्कुल मैं मानता हूँ, वो एक बड़ी डेमोक्रेसी है, ये भी मानता हूँ जी, बिल्कुल, ठीक है ना, हम लोग अभी उस लेवल पे नहीं पहुँचे, ठीक है, तो क्या वजह 1947 में इकट्ठे स्टार्ट किया, आज हम यहाँ पे ये कह दें कि भाई अगर लेट्स सपोज ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी आबादी इंडिया है जिसकी वजह से बहुत से कंट्रीज रिलेशन बेहतर करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ आबादी की वजह से अगर रिलेशन बेहतर करना चाहते हो तो फिर तो पाकिस्तान भी दुनिया की छठी पांचवी छठी बड़ी आबादी है, तो हमसे भी तो थोड़े बहुत रिलेशन बेहतर कर ले, पांच गुना कम है, तो चले पांच गुना कम रिलेशन बेहतर कर ले। दूसरी बात, जो पाकिस्तान पे इन्होंने इस्लाम फोबिया का ठप्पा लगाया हुआ ना, ठीक है, तो कुछ बाहर वाले कुछ अंदर वाले मिल के इसको ना टेररिज्म में बदनाम करना चाहते हैं, ठीक है, उसका मुकाबला ही कर रहे हैं अभी तक, हम कोशिश में लगे हुए हैं, हाँ, जिसमें जो है ना हमारी अपनी आवाम भी हमारा साथ नहीं देती। अच्छा, अगर पाकिस्तान पे मुसलमान या इस्लामोफोबिया का ठप्पा लगा दिया या इस तरीके से एक्सट्रीमिज्म का एक वो लगा दिया, तो सऊदीया इस्लामिक कंट्री, तुर्की इस्लामिक कंट्री, यूएई इस्लामिक स्टेट्स हैं सारी इस्लामिक कंट्रीज, उनके ऊपर ये धब्बा क्यों नहीं लगता, हमारे ऊपर क्यों लगता है, यानी कि हम ज्यादा मुस्लिम हैं? वो इसलिए नहीं लगता मेरे भाई कि वो जो जिन मुल्कों के आप नाम गिनवाए ना, ये उनकी आबादी है। अच्छा, ये उनको बनाने वाले वही हैं, उनको खड़ा रखने वाले वही हैं,
ठीक है, उनको उंगलियों पे नचाने वाले वही है। ठीक हो गया, यानी इस वजह से वहाँ पे वो चीजें नहीं होती। उनको तो डेवलप कर रहे हैं वो, उनको तो डेवलप कर रहे हैं अपने मतलब के लिए, अपने वफाद के लिए। आप जरा सभी थोड़ी सी आंखें दिखाते हैं तो वो आपको बदनाम कर देते हैं। ठीक है, आप उनके साथ वैसे ही चलते रहते हैं तो आपका सब कुछ ठीक चलता है। हम कैसे आंखें दिखा सकते हैं IMF से, हम पैसे ले रहे हैं उसके अलावा। इधर आप बताएं, ये जूता खरीदने के लिए लेट्स सपोज कोई आता है, ये जूते की कीमत भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली IMF नहीं डिसाइड करता? हाँ बिल्कुल।